हेलो दोस्तों, फोटो टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फोटोग्राफी की सबसे बेसिक चीज़ एक्सपोज़र के बारे में बात करेंगे। एक्सपोज़र क्या है? जब हम शटर बटन दबाते हैं तो प्रकाश लेंस के थ्रू होता हुआ सेंसर पर पड़ता है, मतलब सेंसर एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज़र और कुछ नहीं बल्कि प्रकाश की मात्रा है जो सेंसर या फिल्म पर पड़ती है। थोड़ा और टेक्निकली कहें तो प्रति यूनिट एरिया सेंसर पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को एक्सपोजर कहते हैं। अब एक और जरूरी बात कि करेक्ट एक्सपोजर क्या होता है। आइए टेक्निकल चीजों को समझने से पहले कुछ तस्वीरें देखते हैं जिससे हमें बड़ी आसानी से सही एक्सपोजर का आइडिया हो जाएगा। दोस्तों, इनमें से कौन सी तस्वीर परफेक्टली एक्सपोज्ड है? आप कहेंगे बीच वाली तस्वीर। बिल्कुल ठीक, बीच वाली तस्वीर में शेडोज में और हाइलाइट्स में दोनों में डिटेल्स हैं। लेफ्ट वाली तस्वीर को देखें तो शेडोज में डिटेल्स नहीं है, राइट वाली तस्वीर को देखें तो हाइलाइट्स में डिटेल्स नहीं है, ब्लोन आउट हो चुकी हैं। इसी तरह से ये मून की तस्वीर, इसमें भी बीच वाली तस्वीर परफेक्टली एक्सपोज्ड है। लेफ्ट वाली इमेज में शेडोज में डिटेल्स नहीं है और राइट वाली तस्वीर में जो हाइलाइट्स हैं वो बिल्कुल ब्लोन आउट हो गई हैं, डिटेल्स बिल्कुल खत्म हो गई हैं। ये तस्वीर है हमारे देश के जाने माने छाया चित्रकार स्वर्गीय श्री ओ एन शर्मा जी की। इस तस्वीर में भी आप देख रहे होंगे कि बीच वाली तस्वीर बिल्कुल परफेक्टली एक्सपोज्ड है, शेडोज और हाइलाइट्स दोनों में ही डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर को देखें, इसमें लेफ्ट वाली तस्वीर में शेडोज में डिटेल्स का लॉस है और राइट साइड वाली में हाइलाइट्स में डिटेल वॉश हो गई है। बीच वाली तस्वीर बिल्कुल परफेक्टली एक्सपोज्ड है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सही एक्सपोजर क्या होता है। दोस्तों, टेक्निकल भाषा में कहें तो करेक्ट एक्सपोजर अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ का वह तालमेल है जिससे हमें परफेक्टली एक्सपोज्ड इमेजेस मिल सकें, जिसमें ना तो शेडोज में कोई लॉस हो और ना हाइलाइट्स ब्लोन आउट हो, मतलब शेडोज में भी डिटेल्स हो और हाइलाइट्स में भी डिटेल्स हो। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात आती है, टेक्निकली करेक्ट एक्सपोजर और विषय या दृश्य की रिक्वायरमेंट के अनुसार करेक्ट एक्सपोजर थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैमरे का एक्सपोजर मीटर हमेशा टेक्निकली करेक्ट एक्सपोजर बताता है जो ग्रे टोन्स की मात्रा के अनुसार निर्धारित होता है, पर क्या आपको एक परफेक्टली एक्सपोज इमेज मिल पाती है? कई बार नहीं मिल पाती। अगर ऐसा होता तो ऑटो मोड लगाकर हमें हमेशा करेक्टली एक्सपोज इमेजेस मिलती, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, हर दृश्य या विषय की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। सही एक्सपोजर निर्भर करता है विषय पर पड़ने वाले प्रकाश पर, आसपास और बैकग्राउंड में मौजूद प्रकाश पर। हम कैमरे के एक्सपोजर मीटर से एक्सपोजर का आइडिया ले सकते हैं, पर अपने विषय को परफेक्टली एक्सपोज करने के लिए विषय की रिक्वायरमेंट के अनुसार थोड़ा अंडर या ओवर एक्सपोज करना पड़ सकता है। दोस्तों, तस्वीर क्लिक करने के बाद एक बार बारीकी से देखें कि हमारा विषय परफेक्टली एक्सपोज्ड हुआ है या नहीं।
डिटेल्स पर नजर डालें, शेडोज और हाइलाइट्स में डिटेल्स की कमी तो नहीं है, इस बात पर गौर करें, फिर अकॉर्डिंगली अंडर या ओवर एक्सपोज करके देखें। इस प्रकार हमने देखा कि एक्सपोजर क्या होता है, करेक्ट एक्सपोजर क्या होता है, विषय की रिक्वायरमेंट के अनुसार करेक्ट एक्सपोजर क्या होता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक्सपोजर निर्धारित करने वाले कारक जैसे अपर्चर, शटर स्पीड और ISO की बात करेंगे। धन्यवाद।